हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और मैं एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मुझे इंडस्ट्री में काम करते वक्त 14 साल हो चुके हैं। आई हैव वर्क्ड विद कंपनीज लाइक सैमसंग, फिडेलिटी इंटरनेशनल, अडोबी एंड सो ऑन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI कोडिंग असिस्टेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल AI इज़ द हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो ऐसे ही हम AI का यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द कोड, एंड इट कैन बूस्ट अवर प्रोडक्टिविटी अप टू 10x और अप टू 10 टाइम्स। सो आज की वीडियो में मैं जो AI असिस्टेंट जो कवर करने वाला हूँ, ये स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बेसिकली फीचर्स क्या क्या हैं, और ये पेड है या फ्री है, सारी डिटेल्स के बारे में हम कवर करेंगे। सो फॉर दिस लेट अस गो ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। ऑल राइट गाइज, नाउ वी आर ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो जो मैं बात कर रहा था AI कोडिंग असिस्टेंट की, ये एक फ्री AI कोडिंग असिस्टेंट है और इसका नाम है कोडियम। सो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है codium.com, आप इस पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्विक चीज़ें दिखा देता हूं जो इनकी वेबसाइट पे बेसिकली इन लोगों ने डाल रखी है। सो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इन लोगों ने कोडियम और गिटहब को पायलट का जो है कंपैरिजन करके डाल रखा है। सो बेसिकली आपको पता भी होगा कि गिटहब को पायलट इज़ ऑल्सो ए AI कोडिंग असिस्टेंट जो कि आपकी हेल्प करता है। जब आप कोड लिख रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक सजेशंस देता है एंड डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल इन टू इट, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है कोडियम का और गिटहब को पायलट का। जैसा आप देख पा रहे हैं, कोडियम की VS कोड मार्केट प्लेस रेटिंग है 5 स्टार, जबकि गिटहब को पायलट की है 3.5 स्टार। ऐसे ही जेट ब्रेन के मार्केट प्लेस पे इनकी रेटिंग है 4.7 अराउंड और इनकी रेटिंग है 2.5 और लाइक मोर देन 2.5। ये कोडियम जो है 40+ IDEs, दैट मीन्स कि 40+ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप के IDEs को सपोर्ट करता है। गिटहब को पायलट जो है 15 IDEs को ही सपोर्ट करता है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 70+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है कोडियम, और गिटहब को पायलट जो है 40 को सपोर्ट करता है। ऐसे ही बाकी के डिफरेंट फीचर्स हैं, AI ऑटो कंप्लीट एंड चैट, फुल रेपो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, डिप्लॉयमेंट मेथड एंड डिफरेंट ऑप्शंस इन लोगों ने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप कौन कौन से एडिटर्स को सपोर्ट करता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी है, नोट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब कि सारे नहीं है, जो मोस्ट पॉपुलर है उन सब की डिटेल्स यहाँ पे डाल रखे हैं। नीचे बाकी की डिटेल्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। हम इसका यूज जो है अपने VS स्टूडियो कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में यूज करने वाले हैं। सो इसके लिए यहाँ पे आपको जाना है, विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च करना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में आपको जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको इसका सर्च करना है कोडियम, एंड कोडियम में जाने के बाद आपको ये रिजल्ट्स देगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखो यहाँ ये इंस्टॉल करके दिखा रहा है, इंस्टॉल कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वो दिखाएगा कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन, कब दिखाएगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल किया है, तो इसने मेरे से लॉगिन नहीं मांगा है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाएगा, आपको बोलेगा लॉगिन करने की। लॉगिन के लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आप या तो अपनी डिटेल्स दे के साइन अप करके फिर लॉगिन कर सकते हो, या तो आप जैसे यूजिंग योर गूगल अकाउंट और जीमेल अकाउंट आप साइन इन कर सकते हो। जैसे ही आप सक्सेसफुली साइन इन कर लोगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे अभी डाउन राइट बॉटम कॉर्नर में मुझे दिखा रहा है सक्सेसफुली लॉग्ड इन, जहाँ पे मेरा माउस होवर कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये करेक्टली इंस्टॉल हो गया और सेटअप हो गया। उसके बाद हम कुछ सैंपल कुछ इसके फीचर्स को टेस्ट करने के लिए हम जाते हैं, कोई एक सैम्पल फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पाइथन की फाइल बना लेता हूँ क्विकली, ठीक है। मैंने एक फाइल पाइथन की फाइल बना ली है। अब सबसे पहला फीचर जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है ऑटो कम्प्लीट का। ऑटो कम्प्लीट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोड लिखोगे ये आपके लिए ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो और फिर आपको सजेशन देगा, ऑटो कम्प्लीट सजेशन। और जैसे ही आप उनको सजेशंस को टैप प्रेस करोगे यानी कि एक्सेप्ट करोगे, सो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दे देगा। सो चलिए ट्राई आउट करते हैं। सो लेट से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ पाइथन में, डेफ लेट से फैक्टोरियल। ये हल्का सा जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे आपको हल्का सा एक दो सेकंड का थोड़ा सा डिले है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये मुझे आगे सजेशन दे रहा है,
और मैं अगर मान लो टैप प्रेस करता हूँ तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड फिर मैं एक बार और टैप प्रेस कर दूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा जो है ऑटो कंप्लीट का फीचर है। दूसरा, इसी ऑटो कंप्लीट को यूज करने का दूसरा एक और फीचर, एक और तरीका है। बेसिकली आप कमेंट में डालो, एक कमेंट डालो कि जो कि इंडिकेट करे कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, फिर ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। लेट्स से फंक्शन फॉर बबल शॉर्ट, मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो इसने ऑटोमेटिकली अब डिटेक्ट कर लिया फंक्शन एल्गोरिथम, बबल शॉर्ट एल्गोरिथम, उसके बाद एंटर। अगेन थोड़ा सा और टाइम लिया, और जैसे मैंने वो किया डब बबल शॉर्ट, और फिर यहाँ पे मैंने टैप प्रेस किया और पूरा बबल शॉर्ट का कोड आ गया। ठीक है, ये आपका ऑटो कंप्लीट का फीचर है। ऑटो कंप्लीट के फीचर के बाद दूसरा फीचर ये है कि आप अपने कोड को बेसिकली अपने कोड के अंदर कमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, कमेंट्स कैसे ऐड करोगे? कमेंट्स ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन दिखा रहा है, कोडियम रिफैक्टर, एक्सप्लेन या जनरेट डॉक स्ट्रिंग। सो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, सो एक्सप्लेन में तो बेसिकली आपका ये एक अलग फीचर है, ये आपका कोड का सैंपल लेगा, बेसिकली कोड का ब्लॉक लेगा, उसको यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेन करके दे देगा कि बेसिकली वो कोड कर क्या रहा है। ये उस टाइम पे यूजफुल है जब आप जो है किसी और का लिखा हुआ कोड यूज कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, आपको नहीं समझ में आता कि बेसिकली सामने वाले ने क्या लिखा हुआ है, तो दिस फीचर इज वेरी हेल्पफुल इन दैट केस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जनरेट डॉक स्ट्रिंग का है, ये आपके लिए बेसिकली डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग और आपके लिए कमेंट्स डाल के दे देगा अपने आपके अपने पर्टिकुलर किसी भी कोड के लिए। जैसे यहाँ पे इसने दे दिया और मैं अगर एक्सेप्ट कर दूंगा तो ये मुझे एक्सेप्ट करके दे देगा, बेसिकली ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी डॉक स्ट्रिंग। और जैसे आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली इसने वो डिटेल्स भी डाल दी। ठीक है, तो अब तक हमने सबसे पहले ऑटो कंप्लीट का फीचर चेक किया, उसके बाद जो है हमने एक्सप्लेन वाला फीचर चेक किया, उसके बाद जो हमने डॉक स्ट्रिंग ऐड करी है, उसके बाद हम जो है रीफैक्टर कर सकते हैं अपने कोड को। रीफैक्टर का मतलब है कि लेट्स से मेरे कोड में, इस कोड में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कोड को वो चेक कर ले, फॉर नल पॉइंटर और कुछ बग है तो उनको, एज केसेस हैं उनको चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा वो कर ले। सो जैसे ही आप रीफैक्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखा देगा कि बेसिकली आप रीफैक्टर किस तरीके से करना चाह रहे हो। क्या सिर्फ आप कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हो, या प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना चाह रहे हो, या एनोटेशंस ऐड करना चाह रहे हो, या इस कोड को क्लीन अप करना चाह रहे हो, चेक फॉर बग्स एंड नल पॉइंटर्स वो करना चाह रहे हो, डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ चेक फॉर बग्स एंड नल पॉइंटर, मैंने इसको बोल दिया कि चेक इट फॉर बग्स एंड नल पॉइंटर कि कहाँ कहाँ पे कोड फट सकता है, फेल हो सकता है। सो उसने चेक किया और यहाँ पे आप देखोगे कि उसने एज केसेस डाल दिए कि अगर एन की वैल्यू नन है, या एन की वैल्यू इंटीजर नहीं है, या एन की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो उन केसेस की सारों की हैंडलिंग करके इसने यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे तो हट जाएगा। फॉलो अप होगा, फॉलो अप उस सिनेरियो में यूज़ करना है कि लेट्स से जो इसने जनरेट करके दिया आप उससे 100% सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप यहाँ पे फॉलो अप करके, फॉलो अप का यूज़ करके आप उसको बोल सकते हो कि नहीं इसको इस वे में करेक्ट करो, या जिस भी वे में आप अपनी जो प्रॉम्प्ट या अपनी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इसको दे सकते हो। मैं अभी के लिए इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा जो है एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ अभी के लिए, जैसे मैं यहीं पर सेव कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया, अब मेरी ये फाइल सेव हो गई। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, चौथा फीचर है, जैसे ये आप यहाँ पे देखोगे चौथा फीचर जो है वो ये है कि एज ए चैटबॉट भी आप इससे बात कर सकते हो, जैसे आप चैट जीपीटी से करते हो। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेक्शन दिख ही रहा है, यहाँ पे आप लेट से मैं एक बोलता हूँ गिव मी कोड फॉर लेट से मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का कोड बोलता हूँ और लेट से हम इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। सो मैं इसको बोलता हूँ कि गिव मी कोड फॉर मर्ज सॉर्ट। सो ये मेरे लिए जैसे एग्जैक्टली सेम एज चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के सेम फीचर है ये, यहाँ पे आपको मर्ज सॉर्ट का फीचर वो कर देगा। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पहले आपको वहाँ पे जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे वो करना है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि इसने मर्ज सॉर्ट का कोड जनरेट कर दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी, सब कुछ कर दिया,
कॉपी कर सकते हो आप या इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो जहां पे फाइल में आपका माउस होगा उस पोजीशन पे इस कोड को ये इंसर्ट कर देगा। सो लेट्स से मैं इंसर्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया आप देखो यहाँ पे इसने जो है इस कोड को पूरे एग्जैक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आई सजेस्ट यू कि आप इन सारे चार पांच जो मैंने मेजर फीचर कवर करे हैं आप इन सबको जो है यूज कीजिए और आप समझ ही गए होगे कि कितना इजी हो गया है कोडिंग विद द हेल्प ऑफ एआई कोडिंग असिस्टेंट और कैसे आपकी ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। अगर आप सिंपल विदाउट दीज कोडिंग असिस्टेंट आप अगर आप कोड करते हो तो कितने भी आप प्रो कोडर हो आपकी एक लिमिट है बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, लेकिन इनकी हेल्प से वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम तक बूस्ट कर देता है। सो बेसिकली अगर आपको सेम कोड लिखना है तो हो सकता है कि आपको लेट्स से 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, लेकिन यहाँ पे सेम कोड जो है 10 सेकेंड में आ गया है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई सजेस्ट यू आप इसको चेकआउट करो, इस एआई असिस्टेंट को आप यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन एआई एमएल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।